आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ में। वही युवा मोर्चा की टीम विस्तार को लेकर विरोध तेज हो रहा है। नाराज युवा नेताओं का बड़ा आरोप है कि पार्टी के लिए वे सालों से काम कर रहे हैं, दरी और झंडे उठाने से लेकर सभी तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया है। वही दूसरी तरफ 4-5 छह ऐसे भी है जो इस सूची में शामिल है, जो शहर के यूथ आईकॉन है। वही युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरव तिवारी की ताजपोशी होने के बाद अभी तक ऐसा कहीं देखा और सुना नहीं गया है कि उनके ताजपोशी को लेकर जगह जगह स्वागत किया गया है। और आगे हम बात करें तो टीम विस्तार के बाद शामिल हुए चेहरों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चेहरे जमीन पर कितने मजबूत होंगे। वहीं अगर बात की जाए यूथ आइकॉन चेहरों की तो मयंक प्लास, मदन गुर्जर, रवि पाटीदार, मीरा जही, ये वो चेहरे हैं जो युवा मोर्चा की टीम को मजबूत करने में नींव के पत्थर के रूप में काम करेंगे। ये सभी युवा अपने अपने क्षेत्र के साथ जिले में अपने अपने यूथ को लेकर जाने जाते हैं, इनके साथ एक बड़ा कारवा चलता है। मयंक प्लास की बात की जाए तो इनका परिवार ही राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है। इनके पिता स्वर्गीय राजकुमार प्लास वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। उन्होंने कई पदों पर रहकर आम जनता की सेवाएं की, साथ ही कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ मयंक भी उनके पदचिन्हों पर आगे बढ़ते देखे जा रहे हैं। मयंक छात्र राजनीति से ही सक्रिय है। मयंक की बात की जाए तो कई सामाजिक संगठनों के सदस्यों और बार एसोसिएशन के साथ अन्नपूर्णा सेवा समिति से जुड़े हैं। इसी का कारण है कि मयंक प्लास के युवाओं में अच्छी पकड़ है। वे युवाओं के काम को आसानी से करा देते हैं और यही वो कारण है कि एक बड़ा जलसा इनके पीछे युवाओं का चलता है। दूसरी तरफ इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए बीजेपी युवा संगठन ने उन्हें कार्यालय मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। मयंक के पास एक बड़ी टीम है जो उनके लिए काम करती है, ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी को काम आ सकती है। वहीं अगर मदन गुर्जर की बात की जाए तो मदन गुर्जर को गुर्जर नेता के नाम से जाना जाता है। उनका समाज के साथ विभिन्न युवा संगठनों में अच्छा जनाधार है और उनका जन्मदिन हर बार चर्चा का विषय बना रहता है। बाजार में यह भी कहते सुना जा रहा है रिटर्न मदन गुर्जर, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से राजनीति से दूर चले गए थे और ऐसे में उनकी ताजपोशी होते ही फिर युवाओं में जोश बढ़ गया है। वहीं इनके आगे बढ़ने की बात की जाए तो मदन गुर्जर समाज में प्रदेश महासचिव, जिलाध्यक्ष युवा गुर्जर सभा के रह चुके हैं। दूसरी तरफ टीम JNVR के जरिए भी कई सामाजिक कार्य को किया है। इसी का कारण है कि इनके पास भी युवाओं की टीम भरी पड़ी है। अब मदन गुर्जर को बीजेपी युवा मोर्चा में जिला महामंत्री के रूप में नियुक्त किया है। वहीं अगर तीसरे नाम रवि पाटीदार की बात करें तो ये वो नाम है जो ABVP व संघ में एक्टिव रहने के लिए जाना जाता है। रवि पाटीदार सामाजिक संगठनों के साथ ABVP के कई पदों पर रहे हैं और युवाओं की आवाज उठाने का काम रवि ने किया है। इनका भी जनाधार जमीन पर मजबूत है। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और शहर में युवाओं में पकड़ बनाने में महारती हासिल है। वहीं ABVP में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के साथ जिला सह संयोजक व संयोजक रह चुके हैं। इन्होंने पहली बार रामपुरा में प्रभारी के रूप में काम करके ABVP की जीत दर्ज कराई थी। इसी के कारण इन्हें भी यूथ आइकॉन कहा जाता है। अब रवि पाटीदार को युवा मोर्चा टीम में जिला महामंत्री बनाया गया है। चौथे नाम की बात करें तो ये नाम है नीरज अहीर, जो अहीर समाज से आते हैं। इनका भी युवा में अच्छा रसूख माना जाता है। इनके पास भी एक टीम है जो पीड़ित मानवता के लिए काम करती है। नीरज अहीर पिछले कई सालों से बीजेपी में सक्रिय हैं, साथ ही कई छोटे मोटे पदों पर रहे हैं। अगर सामाजिक संगठन की बात करें तो इन्होंने कोरोना काल व लॉकडाउन में खूब सेवाएं की है और सरकार की योजनाओं को जमीन पर दिखाया है। नीरज अहीर बघाना व्यापारी संघ, कोरोना समिति व शांति समिति जैसे समितियों में सदस्य है। साथ ही सभी वर्ग व प्रशासन से अच्छी पकड़ के चलते ये युवाओं के काम कराने में सबसे ऊपर नजर आते हैं। इनको भी इस बार बीजेपी में युवा मोर्चा का जिला मंत्री बनाया है। कुल मिलाकर इस बार भले ही युवा मोर्चा की टीम का विरोध हो रहा है, लेकिन इन चेहरों ने पद पाकर एक ये तो साबित कर दिया कि जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पद लेने नहीं जाना पड़ता है, पद उनके पास उनके काम से आता है। अब देखना होगा कि युवा मोर्चा टीम विस्तार को लेकर हो रहे विरोध को लेकर पार्टी क्या एक्शन लेती है। ये था अब तक अपडेट। हर जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।